व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ का खर्चा करता है। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मनसब बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयां करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है। और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में हैं, या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए, उसमें जमा राशि को राजसत कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराया, 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है, ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। BJP को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ED के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ का खर्चा करता है। आज तक है हमने नहीं सुना कि भी सुने दुनिया में ये नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है, इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी लगा गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली, ये स्थिति इनकी है। आप कैसे देखते उनके बयान को? अब तो हम अभी तक 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ। उसकी जो वो उसके लिए ये देखिए, हमने गूगल को पहले लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर, ये तो लगातार मैनिपुलेशन हो रहा है, नाम खराब किया जा रहा है, इसमें क्या मानहानि का कोई दावा करेंगे? क्योंकि वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे। आचार संहिता के दौरान सर, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना होता है, तो ये क्या निर्वाचन आयोग नहीं कर पा रहा है? निर्वाचन आयोग को पहले बताना चाहिए कि रायपुर में जब मीटिंग हुई थी, ED IT अधिकारी बैठे थे। दूसरी बात यह है कि अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ली? जब इतनी बड़ी बात सारे मीडिया में आ चुका है तो निर्वाचन आयोग को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। वैसे हमारे तरफ से कंप्लेन जाएगा, किसी की छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है
उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि स्पष्ट निर्देश है निर्वाचन की जो नियमावली है कि उसमें इस प्रकार से जो FIR होगा या कोई भी कार्रवाई होगी उसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। निर्वाचन आयोग को इसको देखना चाहिए। होगा आज, आज चल देगा। क्या कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपने गई है निर्वाचन आयोग की, कार्रवाई की जाए करके ईडी का? ईडी और जो ईडी के ईडी पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं समझा नहीं तुम्हारा, आपका प्रश्न नहीं समझ पाया सर। ये ऐप है, ये ऐप है सर कि चुनाव के पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले बैन किया गया। हाँ। जब से कार्यवाही शुरू हुई उस दौरान भी बैन किया जा सकता था, एक दिन पहले बैन करने क्या सवाल वही है। ये बंद भी नहीं हुआ है ना, ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको APK है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? ये नई बात बता रहे हैं, वीडियो जो है BJP ने जारी किया है, है ना, और प्रेस नोट है ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है, जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, छत्तीसगढ़ की जनता पहले जान चुकी है ED-ID किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी का और नुकसान होगा, जितना करेंगे उतना नुकसान होगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद और कांग्रेस के बीच में इलू-इलू है, इसे कैसे देखें? हम बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी कितना संबंध है ना, वो जीरम घाटी हमने देख लिया है, हमने अपने नेताओं को खोया है, जांच करने नहीं दे रहे हैं। और पहले तो बताओ, उसकी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया था क्या तो भारत सरकार से, वो 10 करोड़ का जो उसकी राशि मिली है भारत सरकार ने अपने आप दे दिया कि इन्होंने आवेदन दिया, अभी तक जवाब नहीं दिया है। सर भाजपा सवाल खड़ा कर रही है कि नरवा गरवा गुरवा बाड़ी और जो मीरा घाटी घटना है उसका घोषणा पत्र में कोई जीव नहीं है। भाई वो पहले से ही है हमारे को, जो जो काम हम लोग पहले से कर रहे हैं उसको बार बार डालने का औचित्य क्या है, वो तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। हमारी सरकार बनेगी फिर से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले कल के राजनामा प्रेस में मैंने बोला भी, ठीक है, थैंक यू।